हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कश्यप, मैं आपका भाई बेटा फ्रेंड फिर लाया हूँ आपको कुछ जानकारियाँ देने। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना पे। फिर से लॉकडाउन लगने की नौबत आ गई, फिर से कोरोना के इतने सेंटेंस मिलने लगे हैं, इतने पेशेंट मिलने लगे हैं। न्यूज देखकर तो लगता है कि पूरी दुनिया ही कोरोना से दुखी है। क्या दोस्तों आज अभी तक आप भूल गए थे कि आप कोरोना हमारे देश में, क्या अभी तक आप अपनी लाइफ अच्छी जी रहे थे? लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इन दिनों इन महीनों में कोरोना के पेशेंट कुछ ज्यादा ही मिलने लगे? इन दिनों ऐसा क्या हुआ जो कोरोना के इतनी ज्यादा पेशेंट मिलने लगे, इतने ज्यादा मरीज हो गए, पॉजिटिव इतने मिलने लगे? क्या हमारे देश में लोग भूल चुके थे कि कोरोना हमारे देश में है? ये हमारी सोच, ये हमारी थॉट, ये हमको बीमार करती है। दोस्तों आज मैं आपको कहानी के थ्रू आपको उसको समझाना चाहूंगा। दोस्तों अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन जेलर और कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा और उसे कहा गया कि आपको फांसी नहीं, आपको एक कार्यक्रम से बचना चाहिए। उसने उस सांप को फील किया, उसे लगा कि सांप नहीं डसा है और मर गया। तो दोस्तों हम आते हैं अपने देश में। दोस्तों अगर अभी तक न्यूज पे ना ही कोई कोरोना की न्यूज थी, ना कोरोना का इतना ज्यादा चर्चा था, कोरोना नहीं था, आज कोरोना की इतनी ज्यादा चर्चा है, इतना न्यूज है, पेशेंट इतने ज्यादा है। दोस्तों क्या जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में इतने पेशेंट थे? नहीं। क्यों? क्या जनवरी में आपको नहीं पता था कि कोरोना चल रहा है? क्या आपको नहीं पता था कोरोना है हमारे देश में? नहीं। क्योंकि ना तो हम उसको न्यूज पे देख रहे थे, हम भूल चुके थे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी रहे थे। लेकिन इस टाइम हर जगह आपको न्यूज पे कोरोना, पेपर पे कोरोना, फोन पे कोरोना, तो कहीं ना कहीं हमारी थॉट भी उसी टाइप की सोचने लगी कि हाँ है, ये हमको भी हो सकता है, हमको हो गया। दोस्तों क्या आपने सोचा कि जितने भी मौत हो रही है हॉस्पिटल में ही क्यों हो रही है? हॉस्पिटल में ही क्यों हो रही है? अगर कोरोना इतना खतरनाक था तो लॉकडाउन हटने के बाद हमारे देश में इतने पेशेंट थे तो वो घर पे क्यों नहीं मरे? इतने पेशेंट हर दिन घर से क्यों नहीं मरे? इतने पेशेंट थे अभी तक क्यों निकले? थॉट हमको बीमार कर रही है। दोस्तों अगर आपको कोरोना से बचना है तो अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखो, भूल जाओ कि कोरोना है। अब जैसे अपनी लाइफ को जी रहे थे वैसे ही जिए। आने वाले साल के लिए अपने माइंड में प्लानिंग बनाइए, अपने फैमिली के साथ मिल बैठिए, उनसे बातें कीजिए, न्यूज मत देखिए, एडवर्टाइज मत देखिए। दोस्तों आप जितना भी एडवर्टाइज या न्यूज या न्यूज में देखेंगे कि कोरोना कोरोना कोरोना, तो आपके थॉट में आएगा हाँ हो सकता है।
हो सकता है मानते हैं कोरोना है, बट अभी तक कहा था 4-5 महीने कहा था, क्या अब क्या मार्च अप्रैल में ही आता है, या जहां पे इलेक्शन होता वहां पे नहीं जाता कोरोना, क्या इसकी सोची समझी साजिश है कि हमको अप्रैल में ही आना, एग्जाम के टाइम पे ही आना, जब स्कूल ओपन है या बंद होने वाले हैं तभी आना। तो दोस्तों आप समझदार बन जाइए, आपको एडवर्टाइज देखने की जरूरत नहीं, न्यूज देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे बचने के लिए आपको सारी जानकारी है, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क, ये सारी चीजें तो बहुत ही जरूरी है, इन सब चीज का उपयोग तो करिए। बट दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन न्यूज को देखना बंद करिए जो आपके माइंड में निगेटिव थॉट पैदा करती है, उन न्यूज को देखना बंद करिए, उन लोगों से बात करना बंद करिए जो आपको निगेटिव लगता है। दोस्तों मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई, मैं आपका बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आने वाले साल के लिए तैयारी कीजिए, आने वाले साल के लिए अच्छा सोचिए, अपने घर का माहौल अच्छा बनाइए।